हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम गाइड गुरु में। यहाँ पर हम लेके आए हैं हमारा इंग्लिश का नेक्स्ट वीडियो। ये आपको बता दूँ मैं कि यहाँ पे हम इंग्लिश के प्रीवियस ईयर्स के पेपर का एनालिसिस निकाल रहे हैं, जो कि आपको ग्रुप टू और ग्रुप फोर्थ की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। देखिए, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देयर इज़ अ ह्यूज इकोनॉमिक फिल इन द ब्लैंक्स बैलेंस बिटवीन द टू कंट्रीज। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में एक वर्ड दिया है बैलेंस, और इसमें आपको प्रेफिक्स लगाना है। जब भी आप किसी शब्द के आगे प्रेफिक्स लगाते हो तो वो जस्ट उसका अपोजिट मीनिंग क्रिएट करता है। तो जब आप यहाँ पर देखोगे तो बैलेंस का मतलब होता है संतुलित, और इसके आगे अगर आप आई एम प्रेफिक्स को जोड़ते हो तो इसका मतलब होता है इम्बैलेंस, मतलब असंतुलित। तो यहाँ पे हो जाएगा देयर इज ह्यूज इकोनॉमिक इम्बैलेंस बिटवीन द टू कंट्रीज। दो देशों के बीच में यहाँ बहुत अधिक आर्थिक असंतुलन है। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट स्पीच दी हुई है, जिसको हमको इनडायरेक्ट स्पीच में करेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है आपका द सर्वेंट सेड टू द मास्टर पार्डन माई फॉल्ट सर। पार्डन का मतलब होता है यहाँ पे क्षमा प्रदान करना। तो द सर्वेंट, जो नौकर होता है, सेड टू द मास्टर, उसके मास्टर को बोलता है पार्डन माई फॉल्ट, मेरी गलती के लिए। फॉल्ट यानी गलती होता है, मेरी गलती के लिए क्षमा करें सर। इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करना है। अब देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस इतना टफ नहीं होता है यहाँ पे इंग्लिश का पेपर जितना हम हवा बना देते हैं उस चीज़ की। जैसे कि अगर आप यहाँ पे पहले ऑप्शंस को देखोगे तो द सर्वेंट ऑर्डर्ड हिज मास्टर टू पार्डन हिज फॉल्ट। अच्छा, आपको पता है सर्वेंट जो है क्या वो ऑर्डर दे सकता है क्या उसके मास्टर को, कि ऑर्डर दे के बोल रहा है कि मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ करो? नहीं। द सर्वेंट एडवाइज्ड हिज मास्टर टू पार्डन हिज फॉल्ट, क्या वो सलाह देगा उसके मास्टर को कि मेरी गलती के लिए क्षमा कर दो? द सर्वेंट एक्सक्लेम्ड हिज मास्टर टू पार्डन हिज फॉल्ट। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है चिल्ला कर बोलना, जोर से बोलना। तो क्या सर्वेंट जो है उसके मास्टर को एक्सक्लेम्ड कर सकता है, चिल्ला के या जोर से बोल सकता है, क्या? नहीं बोल सकता। अब लास्ट में देखिए, द सर्वेंट बैग्ड हिज मास्टर टू पार्डन हिज फॉल्ट। यहाँ पे बैग्ड का मतलब होता है प्रार्थना करना। द सर्वेंट, जो सर्वेंट है, बैग्ड, प्रार्थना कर रहा है हिज मास्टर टू पार्डन हिज फॉल्ट, उसके मास्टर से प्रार्थना कर रहा है कि उसकी गलती के लिए उसे क्या कर दिया जाए, क्षमा कर दिया जाए। तो एक्चुअल में अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो भी अगर आपके वर्डों की पकड़ है, आपके पास थोड़ी सी इंग्लिश को समझने की एबिलिटी है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ईडियम दिया हुआ है, और इस ईडियम्स का जो है आपसे एग्जैक्ट मीनिंग पूछा है कि इसका करेक्ट मीनिंग क्या है। तो ईडियम से आपका ब्लेसिंग इन डिसग्रेस। तो ब्लेसिंग इन डिसग्रेस का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद देना, अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद देना। जैसे दवा होती है, एक्चुअल में लगती कैसी है, कड़वी, तो पर उसका फायदा होता है एक्चुअल में आपको। तो इसी टाइप से अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद देना। तो यहाँ पे देखते हैं इसका करेक्ट मीनिंग कौन सी कौन सा सेंटेंस निकाल रहा है। पहला है गुड पीपल्स आर समटाइम्स ड्रेस्ड इन टॉर्न क्लॉथ्स। अच्छे लोग जो होते हैं वो भी कभी कभी क्या करते हैं, टॉर्न यानी होता है फटे हुए, क्लॉथ्स यानी कपड़े, और ड्रेस यानी होता है पहनना। तो अच्छे पीपल कभी कभी फटे हुए कपड़े पहनते हैं, क्या ये मतलब निकल रहा है? उसके बाद लॉट ऑफ गुड डीड्स दैट डू नॉट पे इन द लॉन्ग रन, कि बहुत ज़्यादा अच्छे काम भी लंबे समय तक नहीं चलते हैं, या लंबे समय तक जो है लंबे समय तक नहीं चलते हैं। तो क्या ये इसका मतलब निकल रहा है? नेक्स्ट है सम थिंग्स दैट एट फर्स्ट सीम्स गुड बट लेटर टर्न्स आउट टू बी यूजलेस, कि कुछ चीज़ें जो होती है, सम थिंग्स कुछ चीज़ें जो होती हैं दैट एट फर्स्ट सीम्स गुड, शुरुआत में तो बहुत अच्छी दिखाई देती है, बट लेटर टर्न आउट टू बी यूजलेस, बट बाद में क्या होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? यूजलेस थिंग्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या ये इसका मतलब निकल रहा है? या फिर समटाइम्स दैट एट फर्स्ट सीम्स बैड, समथिंग दैट फर्स्ट सीम्स बैड बट लेटर टर्न आउट टू बी यूजफुल, कि कुछ चीज़ें जो होती है वो शुरुआत में तो बुरी दिखाई देती है बट लेटर टर्न आउट टू बी यूजफुल, पर बाद में क्या कैसी होती है, यूजफुल होती है, आवश्यक होती है। तो एक्चुअल में यहाँ पे जब आप ये फोर्थ सेंटेंस को देखोगे तो यही जो है इसी इस ईडियम्स का ये एग्जैक्ट मीनिंग निकाल रहा है, ब्लेसिंग इन
डिसगाइज अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद। जैसे टीचर होते हैं स्टार्टिंग में तो आपको डांट लगाते हैं, तो डांट लगाते हैं तो आपको बुरा लगता है, एक्चुअल में वो उस टाइम पे आपके लिए बुरा होता है, पर अगर रिजल्ट आपका अच्छा आता है तो फिर, तो इसी टाइप से दिया हुआ है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले में आपको एक स्टोरी दी हुई है, इस स्टोरी को रीड करना है, और स्टोरी को रीड करने के बाद आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इन चार ऑप्शंस को जो है उसके बाद आपको पहचानना है कि इसमें क्या आंसर सही आएगा। तो ठीक है, स्टोरी रीड करते हैं। अ फॉक्स वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। एक फॉक्स था, एक लोमड़ी थी, और वो जंगल में वॉकिंग कर रही थी। वैन ही सा क्रॉ सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। और तभी वो क्या करता है, ही सॉ क्रॉ, वो एक कौवे को देखता है सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, जो कि एक पेड़ की शाखा पे बैठा हुआ होता है, विद अ फाइन पीस ऑफ चीज इन हर बीक। और वो जो कौवा होता है उसकी बीक में एक चीज का टुकड़ा होता है, एक पनीर का टुकड़ा होता है। द फॉक्स वॉन्टेड टू चीज। अब फॉक्स क्या चाहता है, फॉक्स पनीर का टुकड़ा चाहता है। एंड डिसाइडेड, और वो डिसाइड करता है, वो निश्चय करता है, ही वुड बी क्लेवर इनफ, कि वो क्या है, ही वुड बी क्लेवर इनफ, कि वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है या वो चतुर है, टू आउट विट द बर्ड्स, उस बर्ड्स को, उस पक्षी को हराने के लिए। आउटविट का मतलब क्या होता है, आउटविट का मतलब होता है होशियारी से हरा देना। तो वो यही बोल रहा है कि ही वुड बी क्लेवर इनफ, वो पर्याप्त मात्रा में, इनफ ही नहीं होता, पर्याप्त मात्रा में क्लेवर ही नहीं होता, चतुर, तो ही वुड बी क्लेवर इनफ टू आउटफिट द बर्ड्स, कि वो पर्याप्त मात्रा में चतुर है उस बर्ड्स को हराने के लिए या उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए। ठीक है, सो वॉट अ नोबल एंड ग्रेशियस बर्ड्स आई सी इन द ट्री। कितना नोबल, कितना उत्कृष्ट और कितना दयालु, ग्रेशियस, नोबल ही नहीं होता है उत्कृष्ट, और ग्रेशियस मतलब होता है दयालु। तो वो बोल रहा है व्हाट अ नोबल एंड ग्रेशियस बर्ड्स आई सी इन द ट्री, कि कितना दयालु और कितना उत्कृष्ट और कितना दयालु पक्षी जो है वो मैं इस पेड़ पे देख रहा हूँ। प्रोक्लेम्ड द फॉक्स, प्रोक्लेम्ड मतलब होता है ऐलान करना या दावा करना, इस टाइप से वो दावा करता है चिल्ला के, प्रोक्लेम्ड द फॉक्स, ये फॉक्स के द्वारा प्रोक्लेम्ड किया जाता है, दावा किया जाता है। वॉट एक्सक्यूसीट ब्यूटी, कितनी उत्तम, कितनी उत्कृष्ट सुंदरता है, ब्यूटी नहीं होता है सुंदरता। वॉट एक्सक्यूसीट, एक्सक्यूसीट मतलब होता है उत्तम या उत्कृष्ट सुंदरता, कितनी उत्कृष्ट सुंदरता है। वॉट फेयर प्लमेज, वॉट फ्ले, वॉट फेयर प्लमेज, प्लमेज का मतलब होता है पंख और फेयर का मतलब होता है खूबसूरत, तो वॉट फेयर प्लमेज, कितना, कितने खूबसूरत इसके पंख हैं। इफ हर वॉइस इज एज लवली एज हर ब्यूटी, यदि इसकी आवाज भी इसकी सुंदरता की तरह क्या हो, प्यारी हो, लवली हो, देन शी शुड नॉट डाउट टू बी ज्वेल्स ऑफ ऑल बर्ड्स, तो इस चीज में कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई निश्चय नहीं रहेगा कि ये जो पक्षी है ये सभी पक्षियों का क्या है, ज्वेल्स है, रत्न है, या सभी पक्षियों में बहुमूल्य है। ज्वेल्स मतलब होता है रत्न, आभूषण या बहुमूल्य होना। तो वो इस टाइप से वहाँ पे बोलता है। द क्रॉ वॉज सो फ्लैटर्ड। अब जो कौवा होता है वो जब फॉक्स की बातें सुनता है तो वो क्या हो जाता है, द क्रॉ वॉज सो फ्लैटर्ड, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फ्लैटर्ड मतलब होता है खुश होना, पर किस पर्पस में, जब आप, इसका मतलब चापलूसी करना भी होता है, पर जब आप किसी को चापलूसी के द्वारा खुश कर दो तो वो फ्लैटर्ड कहलाता है। तो द काउ वॉज सो फ्लैटर्ड बाय ऑल दिस टॉक दैट द ओपन हर बिग, दैट शी ओपन हर बिग, तो वो खुश हो जाता है उसकी बातें सुन के, बाय ऑल दिस टॉक, इन सब बातों को सुन के वो जो कौवा होता है वो खुश हो जाता है। दैट शी ओपन हर बिग, और वो अपनी चोंच को क्या करता है, खोलता है। एंड गेव अ क्राई टू शो द फॉक्स हर वॉइस, और वो फॉक्स को अपनी वॉइस सुनाने के लिए अपनी बिग ओपन करता है और चिल्लाता है, क्राओ क्राओ, शी क्राइड, और वो काव काव करके चिल्लाता है। एंड एज द चीज ड्रॉप टू द ग्राउंड, और जैसे ही चीज जो होती है, जैसे ही जो पनीर का टुकड़ा होता है ग्राउंड पे गिरता है, फॉर द फॉक्स, फॉक्स के लिए, टू ग्रैब, और फॉक्स जो होता है उसको झपट लेता है। ग्रैब का मतलब होता है झपटना। तो ये छोटी सी स्टोरी थी। अब इसमें देखते हैं व्हाट द मॉरल ऑफ गिविंग स्टोरी, इस स्टोरी का मॉरल क्या, एक्चुअल में माइट इज राइट, माइट ही नहीं होता है, ताकतवर इज राइट, मतलब ताकतवर हमेशा क्या होता है, सही होता है। ये एक्चुअल में जो
जिसकी लाठी उसकी भैंस करके आपने हिंदी में एक सुनी होगी लोकोक्ति, ये उसी का इंग्लिश मीनिंग है कि माइट इज राइट, कि ताकतवर जो होता है वो हमेशा सही होता है, ऐसा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द होल्डर, क्या ये इसका मतलब निकलेगा कि ब्यूटी लाइज, कि जो सुंदरता होती है वो हमेशा देखने वाले की आंखों में ही होती है। उसके बाद एज यू सॉ सो शैल यू रीप, जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे, क्या ये इसका मतलब निकलता है। या फिर बीवेयर ऑफ फ्लैटर्स, कि चापलूसों से क्या होना चाहिए, बीवेयर होना चाहिए। बीवेयर का मतलब होता है सावधान होना, कि चापलूसों से सावधान होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे आपको जब आप पूरी स्टोरी का मॉरल निकालोगे तो वो यही निकलेगा कि बीवेयर ऑफ फ्लैटर्स, हमको क्या होना चाहिए, चापलूसों से सावधान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें एक हाईलाइटेड वर्ड है आपको जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, एक्चुअल में आपको इसमें इसका अपोजिट वर्ड पकड़ना है। तो सेंटेंस क्या बोलता है, शी वॉज रिवॉर्डेड फॉर शोइंग्स ग्रेट कवरेज इन द बैटल। ठीक है, तो ही वॉज रिवॉर्डेड, उसे पुरस्कृत किया गया। रिवॉर्ड का मतलब होता है पुरस्कृत करना। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, रिवॉर्ड का मतलब भी पुरस्कृत करना होता है और अवार्ड का मतलब भी पुरस्कृत करना होता है, पर अवार्ड और रिवॉर्ड में एक्चुअल अंतर क्या है। तो अवार्ड, अवार्ड में क्या होता है, अवार्ड किसी कंपटीशन को फेस करके जब आपको कोई पुरस्कार प्राप्त होता है तो वो अवार्ड कहलाता है, जबकि आपके काम को देख के अगर कोई आपको पुरस्कृत करता है तो वो रिवॉर्ड कहलाता है। तो ही वॉज रिवॉर्डेड, वह पुरस्कृत किया गया फॉर शोइंग ग्रेट कवरेज इन द बैटल। यहाँ पे कवरेज, बैटल मतलब होता है युद्ध, कवरेज मतलब होता है साहस दिखाना, शोइंग शोविंग कवरेज, शोविंग मतलब होता है दिखाना, कवरेज यानी साहस। तो ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर शोइंग ग्रेट कवरेज इन द बैटल, उसको पुरस्कृत किया गया उसके द्वारा दिखाए गए युद्ध में दिखाए गए साहस के लिए, उसको क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया। तो आप देखते हैं इसका अपोजिट मीनिंग क्या निकलता है, ब्रेवी, ब्रेवी इसका सिनोनियम है। ब्रेवी का मतलब भी क्या होता है, एक्चुअली ब्रेवी का मतलब भी साहसी होता है। उसके बाद कावर्डिक, कावर्डिक का मतलब होता है कायरता, स्ट्रेंथ यानी होता है पावर या ताकत, और फाइट यानी होता है लड़ाई। तो सीधा सा एक कावर्डाइस मतलब यहाँ पे निकल रहा है, कवरेज यानी साहसी, तो कावर्डाइस मतलब क्या होगा, कायरता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस जो है आपका वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो अगला कंजेक्शन के ऊपर दिया हुआ है आपको जो क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, इनके बीच में आपको एक सुटेबल कंजेक्शन ढूंढना है। तो जब आप इसमें देखोगे तो सेंटेंस क्या है, यू मस्ट वर्क हार्ड। ठीक है, यू मस्ट, मस्ट का मतलब होता है, मस्ट एक मॉडल है जिसका मतलब होता है ही चाहिए, जैसे शुड होता है, शुड का मतलब चाहिए होता है, और मस्ट का मतलब होता है ही चाहिए। जैसे यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना ही चाहिए। और सेकंड सेंटेंस दिया हुआ है, यू विल नॉट विन, मतलब तुम नहीं जीतोगे। तो इसमें आपको एक कंजेक्शन, इन दोनों को एक कंजेक्शन से जोड़ना है आपको। ठीक है, कंजेक्शन देख लेते हैं। पहला है अदरवाइज, अदरवाइज मतलब क्या होता है, तो अदरवाइज मतलब होता है नहीं तो। उसके बाद दो यानी हालांकि या यद्यपि, ऑल दो का मतलब भी हालांकि या यद्यपि होता है। उसके बाद डिस्पाइट यानी होता है के बावजूद। तो आपको यहाँ पर पढ़ते से समझ में आ रहा होगा कि यू मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट विन, मतलब यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना ही चाहिए, अदरवाइज नहीं तो यू विल नॉट विन, तुम नहीं जीतोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस आपको अंडरलाइन किया हुआ एक वर्ड दिया हुआ है आपको, इसका मोस्ट सिमिलर वर्ड देखना है, मोस्ट सिमिलर वर्ड देखना है, यहाँ पे इसी का मिलता जुलता जिसका बिल्कुल अर्थ निकले। तो पढ़ते हैं, दीज रेसिपी शुड बी सफिशियंट फॉर 5 पीपल, मतलब कि यह जो रेसिपी है, ये जो भोजन बना हुआ है, शुड बी सफिशियंट फॉर 5 पीपल, ये 5 लोगों के लिए सफिशियंट होना चाहिए। तो यहाँ पे सफिशियंट, 5 लोगों के लिए सफिशियंट होना चाहिए, मतलब पर्याप्त होना चाहिए। अब देखते हैं किसका मीनिंग पर्याप्त के सिमिलर निकलता है या सफिशियंट के सिमिलर निकलता है। लेस यानी होता है कम, टेस्टी यानी स्वादिष्ट, इनफ यानी पर्याप्त, और गिवन यानी देना। तो इनफ सीधा सा दिख रहा है यहाँ पे कि सफिशियंट का सिनोनियम जो है, जो उसका सिमिलर वर्ड है वो क्या होगा, इनफ होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
अगले क्वेश्चंस में आपको ग्रामेटिकली करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड चूज करना है। सारे के सारे सेंटेंस दिए हैं इसमें इनकरेक्ट वर्ड। जब आप इसको पढ़ोगे तो पहला सेंटेंस है आई सा मेनी शीप्स एंड डियर्स इन द फील्ड। देखिए पहले सेंटेंस में ही एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो शीप्स होता है, जो शीप और डियर होते हैं, वो अपने आप में सिंगुलर में भी वही यूज़ होते हैं और प्लूरल में भी वही यूज़ होते हैं। एस या ईएस लगा के इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। देखिए यहाँ पे शिप लिखा है, उसमें एस लगाया हुआ है तो यहाँ पे एस नहीं आएगा और डियर में भी एस नहीं आएगा। तो आई सा मेनी शिप एंड डियर इन द फील्ड, ये करेक्ट होगा। तो ये तो पहला ही आंसर जो है आपका इनकरेक्ट हो गया। दूसरी बात, दूसरा सेंटेंस कोड देख लेते हैं। यू आर सीनियर टू मी बाय 1 ईयर, सही है। वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, सभी को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। यू ही एंड आई वेंट टू सी द सर्कस, हम तुम वह और मैं सर्कस देखने गए, ये भी सही है। तो पहले ही जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, आपका आंसर भी वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्पेल्ड चेक करनी है एक्चुअल में, कि स्प्लिंग यहाँ पे आपको दी हुई है और स्प्लिंग में कौन से स्प्लिंग गलत है वो आपको देखना है। इंटरटेनमेंट ई एन टी आर टी ए आई एन एम एन टी, बिल्कुल सही स्प्लिंग है। उसके बाद एक्साइटमेंट ई एक्स सी आई, नहीं सी छोड़ दिया तो सीधी सी बात है एक्साइटमेंट में जो है सी आएगा, ई एक्स सी आई टी एम ई एन टी। तो यहाँ पे आपको पता चली गया, एंटरटेनमेंट मतलब आपको पता है मनोरंजन होता है, एक्साइटमेंट जिसका स्प्लिंग आपको इनकरेक्ट दिया हुआ, ये आपका आंसर होगा। इसका मतलब होता है उत्तेजित होना। ठीक है, उसके बाद आपको दो वर्ड दिए हैं ऑप्टिमाइज, ठीक है, किसी भी चीज़ का उपयोग करना, ऑप्टिमाइज करना, और ब्रिलियंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको प्रोवर्ब दी है, उस प्रोवर्ब का मीनिंग ढूंढना है आपको कि एक्चुअल में उस प्रोवर्ब का मीनिंग क्या होगा। ठीक है, प्रोवर्ब क्या है देख लेते हैं। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर्स ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल्स, कि जो घास होती है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल्स, मतलब कि जो पहाड़ी होती है उसकी दूसरे साइड की जो ग्रास होती है वही हरी दिखाई देती है, वही हमेशा हरी दिखाई देती है। मतलब जिस तरफ आप खड़े हो उस एरिया की घास आपको इतनी हरी नहीं दिखाई देगी, या उस एरिया में इतना आपको हरियाली नहीं दिखाई देगा, और हमेशा आपको उसके अपोजिट साइड पे, या उसके जो दूसरी साइड पे जो ग्रास रहेगी वो आपको हरी दिखाई देती है। तो ये एक एक्चुअल में ये प्रोवर्ब है, इस प्रोवर्ब का क्या मीनिंग निकलेगा ये देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या दिए। पीपल्स कवर ह्यूज डिस्टेंस इन द ऑर्डर टू बी नियर ग्रैनरी, कि लोग जो हैं वो लंबा डिस्टेंस तय कर जाते हैं, एक बड़ा डिस्टेंस तय कर जाते हैं हरियाली के पास जाने के लिए। पीपल्स टेंड टू वॉन्ट वॉट एवर दे डोंट हैव, लोगों की प्रवृत्ति होती है, पीपल टेंड लोगों की प्रवृत्ति होती है टू वॉन्ट, वो चाहते हैं वॉट एवर जो कुछ भी हो, दे डोंट हैव जो उनके पास नहीं है, ऐसी कोई सी भी चीज़ जो लोगों के पास नहीं है वो चाहते हैं, ऐसी लोगों की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, क्या ये निकलेगा? तो बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक एक्चुअल में आपने हिंदी में सुना होगा कि दूसरों की थाली में ज़्यादा ही दिखता है, इस टाइप से। तो वही वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि लोगों के पास जो नहीं है वो लोग चाहते ही चाहते हैं। ठीक है, खासकर ऐसा जो किसी दूसरे के पास हो, पीपल टेंड टू वॉन्ट वॉट एवर दे डोंट हैव। अच्छा, दोनों ऑप्शन और देख लेते हैं। ग्रास ग्रो बेस्ट इन हिल्स एरिया, हिल्स एरिया में ग्रास जो होती है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करती है, क्या ये है इसका आंसर? या हिली एरियाज आर ऑलवेज फुल ऑफ ग्रीन ग्रास, की जो पहाड़ी एरिया रहते हैं वो हमेशा घास से ढके हुए होते हैं, या हमेशा वहाँ पे ग्रीन घास से वो फुलफिल होते हैं, क्या ये मतलब निकल रहा? तो सीधी सी बात है, आपको पढ़ते से समझ में आ जाएगा कि सेकंड आंसर जो है